हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका सनी बगा, मनाली ब्लॉगर। आप सभी भाइयों को मेरा हर हर महादेव। आज एक नया ब्लॉग लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, अटा टनल से कोक्सर, जो कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा। कोक्सर जो कि मनाली से 40 किलोमीटर दूर है, ये आपको रोहतांग के रोड में मिलेगा कोक्सर पॉइंट। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मनाली में सिर्फ दो ही पॉइंट बचे हैं जहाँ पर अभी स्नो बचा हुआ है। एक तो है कोक्सर, एक है आपका रोहतांग पास, और बाकी हर जगह आपका स्नो खत्म हो चुका है। ये टनल के बाहर आ चुके हैं, देखो सिर्फ ये थोड़ा जैसा ही स्नो बचा है टनल के बाहर भी। अगर अच्छा स्नो देखना है तो आगे कोक्सर जाना पड़ेगा आपको। यहाँ से टनल पार करते ही 7 किलोमीटर आगे है कोक्सर पॉइंट। यहाँ से जो लेफ्ट को जो रास्ता जा रहा है वो जाता है लेह लद्दाख के लिए, जो राइट को जाता है वो जाता है रोहतांग पास, स्पीति वैली और आपका कोक्सर। तो यहाँ से हम राइट ले लेते हैं, राइट को जाएंगे तो आगे कोक्सर आएगा, क्योंकि रोहतांग अभी बंद है। आपको पता है रोहतांग 6 महीने के लिए बंद रहता है, 6 महीने के लिए खुला रहता है, तो इसलिए अभी रोहतांग खुलने का टाइम नहीं हुआ है। 15 मई के बाद जो कि रोहतांग खुलेगा आपका, इसलिए अभी जो पॉइंट चला हुआ है जहां पर स्नो देखने के लोग जा रहे हैं वो अभी कोक्सर पॉइंट चला हुआ है। कोक्सर में काफी स्नो है भाइयों, ऐसा कुछ नहीं कि स्नो नहीं है, वहां पर काफी स्नो है। ये देखो जो साइड में दिख रहे हैं, जो आपको आलू और गोभी के खेत हैं, कुछ इस साइड लेफ्ट साइड ऐसे पहाड़ हैं, पेड़ नहीं मिलेंगे इस साइड आपको पहाड़ों पे। और इस साइड देखो आप स्नो से भरे हुए पहाड़ राइट साइड। रोड है बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, रोड सारे बहुत ही मस्त है मनाली के। ये आप रास्ते में जाते वक्त देख सकते हो, देखो कितने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं। ये देखो 10-10 फीट 12-12 फीट की बर्फ पड़ी हुई है, रोड पे ही देख सकते हो आप इतनी इतनी बर्फ है। आगे कोक्सर ग्राउंड में तो बहुत ज्यादा बर्फ है, ये देख सकते हो, देखो कम से कम 10-10 फीट की बर्फ है ये, जो रोड से इतनी ऊपर हाइट पे आपको दिख रही है। स्नो की आपको कमी मनाली में कभी नहीं होगी, क्योंकि मनाली में जब भी आओ 12 महीने आपको स्नो मिल जाता है। बस यही है, थोड़े कुछ पॉइंट बन जाते हैं, कभी शिशु, कभी सुलांग वैली, कभी आपका कोक्सर, कभी रोहतांग पास। ये देखो कितना सारा स्नो है, रोड पे ही इतना सारा स्नो है, तो सोचो ग्राउंड में कितना सारा स्नो होगा। मैंने सोचा भाइयों को डिटेल दे दूं आगे की, क्योंकि शिशु में अब स्नो खत्म हो चुका है। पहले लोग शिशु जा रहे थे स्नो देखने के लिए, शिशु में स्नो खत्म हो चुका है, तो इसलिए आप कोक्सर जाओ। जो भी आ रहा है मनाली तो कोक्सर जाए, आगे कोक्सर जाके अच्छी स्नो मिलेगी आपको। जब कोक्सर में खत्म हो जाएगी तो आपका रोहतांग पास आगे खुल जाएगा। फिर रोहतांग पास तो सबको पता ही है कैसा पॉइंट है, रोहतांग पास में तो इतनी स्नो होती है, कम से कम 20-20 फीट की स्नो होती है वहां पर। तो भाइयों हमने गाड़ी लगा दी है साइड में, कोक्सर से हम 1 किलोमीटर पीछे ही रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज यहीं पर हो रही है कोक्सर से 1 किलोमीटर पीछे। तो जो लोग मेरे साथ आए थे उन्होंने एक्टिविटीज करनी है, यहाँ पर देखो एक्टिविटीज हो रही है, हाँ यहाँ पर देखो एक्टिविटीज हो रही है। नीचे देखो जो रिवर है, ये रिवर है चंद्रभागा, ये रिवर जो की जो पाकिस्तान जाती है, यहाँ से स्पीति से आती है, कश्मीर होकर पाकिस्तान जाती है। वो सामने जो दिख रहा है आपको पहाड़ बर्फ के, वो है कोक्सर। काफी सुंदर व्यू है यहाँ का, यहाँ की अलग ही सुंदरता है। ये जो हिमाचल का लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है लाहौल, जिसको लाहौल स्पीति भी बोलते हैं, जहां से हम
राइट मुड़े थे, इस साइड स्पीति पड़ जाता है, जहाँ जो लेह लद्दाख के लिए साइड जाता है रोड, वो लाहौल पड़ जाता है। तो ये पूरा लाहौल स्पीति ही आता है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर, आपको पेड़ लेकिन बहुत कम मिलेंगे पहाड़ों पे, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है यहाँ पर। वो सामने देख सकते हो, वो है कोक्सर पॉइंट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका सनी बगा, मनाली ब्लॉगर।